ऐसी माला गिनने वाले लोगों की कोई कमी संसार में नहीं है, मगर जिनके पास कुछ नहीं था अभी बहुत कुछ है, वह व्यक्ति जब शासन के काम करे, धर्म के काम करे, गांव के काम करे और ऐसी प्रभावना के काम करे। देखो इसके बिना होता है चौमासा? चौमासा कोई दिखावा नहीं है, चौमासा कोई दिखावा नहीं है, चौमासा शासन के श्रावकों को धर्म के निमित्त देने का एक अवसर है। चौमासा आत्मा का दर्शन करने का एक अवसर है। चौमासा आराधना साधना तप ने तपस्या करने का एक सुयोग है। चौमासा चार चार महीने तक गुरु के सानिध्य में रहने का एक सुंदर योग है। चौमासा स्नात्र महोत्सव, भक्तांबर पाठ, अलग अलग तरह की तपस्याएं और ये महापुरुषों के बनाए हुए सम्यक ज्ञान के महाशास्त्र ग्रंथों का श्रवण करने का सुंदर मसुंदर एक योग है। एक तो आप अपने गांव में करो और एक आप वो निवृत्ति लेकर इस धर्म की प्रवृत्ति करने के लिए सामुदायिक चातुर्मास में आओ और उसमें भी आप ये योगों को और सारी चीजों को भूल के बस सुनोति इति श्रावक। या शास्त्रों में अभी अपन सूत्र शुरू करेंगे परसों से, कल अपन डिक्लेरेशन किया था कल से, मगर जिन भाग्यशालियों ने चढ़ावे लिए उनको परसों अनुकूलता है, तो परसों से अपना धर्म ग्रंथ शुरू होगा यहाँ पर। और हमारे बहन महाराजों के अंदर तब उसके अंदर प्रभु की और वाणी अभी भी प्रभु की ही वाणी है, मगर एक ग्रंथ के ऊपर आधारित जिन वाणी का श्रवण करने का मौका नॉन स्टॉप मिलेगा इस सामुदायिक चातुर्मास में। क्योंकि आपको दुकान जाना नहीं है, आपको व्यवहार के कामों की कोई जिम्मेदारी छोड़कर आए हो, आप धर्म का व्यापार करने के लिए आप आए हो, या इसलिए आप टाइम टू टाइम 9:15 हाजिर हो जाते, 11 तक नॉन स्टॉप सुनोति इति श्रावक, जो भगवान के वचनों को सुनता है वो श्रावक कहा जाता है। और ऐसे श्रावक ही चातुर्मास के अंदर आते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपना तन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, सत्ता का सदुपयोग, संपत्ति का भी सदुपयोग करते हैं। ऐसा मत समझना कि चौमासा करने आए हुए सब रिटायर लोग हैं। हाँ, रिटायर कोई नहीं है, सब टाइट है, कोई धंधे में, कोई व्यवहार में, कोई व्यापार में, कोई लैंड में, कोई देन में, कोई बुद्धि में, कोई सेवा में, कोई भक्ति में, कोई माला में, कोई क्रिया में, अपनी अपनी रीत से सब अलर्ट है। इसलिए इन श्रावकों को अपन ऐसे नहीं समझना है कि सब रिटायर है इसलिए आ गए, नहीं नहीं भाई, रिटायर नहीं है। कई बुढ़े घर में बैठे हैं, चल सकते नहीं है, देख सकते नहीं है, सुन सकते नहीं है, तो अभी टाइम पहले टीवी चालू करके बैठ जाते। मुझे भी मिले एक मासा, गांव में चौमासा था और एक मासा डेली आते थे। एक दिन आए के वापसी सौगन दो के, मैं तो बोलो कहरी सौगन लेनी है के, तो के बाबू जी हमें टीवी नहीं देखू के, हमें आंख में वो दिखिस तू नहीं तू, छोरो अंगुली पकड़ी ने उपासरे मेली रख के जाए और घंटे के बाद लड़का आके अंगुली पकड़ के उनको लेके जाए। अब इस उम्र के अंदर भी जिनको मन में ये है कि मैं टीवी देखूं, अब घर वालों ने उनको बोला होगा हमें तो सौगन लो, तो वो सौगन ले। ऐसे भी बहुत बैठे हैं मगर उनको मन नहीं होता है कि हम आराधना करें, हम भक्ति करें, हम समय का सच्चा सदुपयोग करें। ये तो जिनका अंतराय टूटा हुआ होता है ने, उन लोगों को भाव होता है, भले प्रतिकूलता तो प्रतिकूलता, भले पंखा मिले के ना मिले, कूलर मिले के ना मिले,
ऐसी मिले के ना मिले, गरम गरम खाने का मिले के ना मिले, कभी कच्ची रोटी आ जाए या कभी कच्चा सब्जी भी आ जाए तो अभी बस, हमें तो मिला तो शरीर का पोषण और नहीं मिला तो तपोवृद्धि। ये हमारी शास्त्रों की बातें है कि मिले तो क्या समझना, शरीर का पोषण, अनुकूल नहीं मिला तो तपोवृद्धि। इस तरह का मन बनाकर जो आराधना में लग जाते हैं ना जबरदस्त, ये आपको अभी चल रहा है ना पापानुबंधी पुण्य ने पुण्यानुबंधी पुण्य, ये सारी चीजों का महत्व फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आहा मेरे भगवान ने तो 12.5 वर्ष तक ये सारे कर्म को भूखा बुलाने के लिए इतना कष्ट सहन किया, मगर मेरे तो मेरे प्रभु की मेरे ऊपर इतनी कृपा बरस रही है। ऐसे राजमहल में बैठकर आरिशा भवन कैसा होगा अंदाज लगा सकते हैं क्या? ऐसा कोई भवन होगा आरिशा भवन जहाँ पर भरत महाराजा रहते होंगे और जहाँ पर चौथ तरफ से अनुकूल वातावरण हुआ होगा और एक दिन अचानक उनकी अंगुली हाथ में से निकल जाती है और आरिशा यानी दर्पण के ऊपर उनकी नजर पड़ती है और लगता है कि मेरा हाथ सुशोभित है या इस अंगुली से मेरा हाथ सुशोभित है, मेकअप से मैं अच्छा लग रहा हूं कि बिना मेकअप में अच्छा लग रहा हूं, मेरे खुद के स्वरूप से मैं शोभित हूं या अन्य बाह्य चीजों से सुशोभित हूं। इस तरह का सोच आना यानी एकत्व भावना में रमना, हाँ एकत्व भावना के अंदर डूब गए। ओह अंगुली निकल गई, सफेद सफेद दाग पड़ गया इतनी जगह में तो अंगुली खराब दिख रही है, यानी मेरा खुद का स्वरूप सही नहीं है, बाहर से जो चीजें मैंने लगाई थी ने उससे मैं अच्छा लग रहा था है? तब उनको भाव एकत्व भावना के अंदर डूब जाते हैं। पुण्यवानों छुट्टी नहीं श्वास आखिरी, छुट्टी नहीं श्वास आखिरी, तभी तक सब विश्वास रखते हैं। आप सभी के ऊपर कहां तक विश्वास है, आपके कुटुंब का, आपके घर वालों का, आपके परिवार वालों का कहां तक आपके ऊपर विश्वास है? छुट्टी नहीं श्वास आखिरी, तभी तक सब आस रखते हैं। दुआ और दवा में सभी विश्वास रखते हैं। खुली खुली दो आंखों का संबंध है यहां पर दोस्तों, यहां पर संबंध कितना है? खुली दो आंखों का संबंध है यहां पर दोस्तों। जरूरत से ज्यादा कौन घर में लाश रखते हैं? जब सांस निकल जाए फिर खाली शरीर पड़ा हो अपना है, लाश पड़ी हो अपनी, डॉक्टर छल्ले छल्ले आ जाए, डॉक्टर बोल दे कि अभी इसमें कुछ नहीं, तो घर वाले कितना तक रखते, कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने रखते हैं? फटाफट फोन चालू हो जाता है, हेलो पहला करने फोन करे जो ज्यादा सबसे निकट सगा वाला होता है ना उसको फोन कर दे, हेलो थोड़ा आवाज ढीलो करे हो, हाँ चलिए आप आके हुए तो हमें दी आवाज का आवे, कतरा बजे काटना है कि कतरा दिन रखना है, कोई पूछे सामने से, कोई पूछता तो बताना तो मैं नोट कर लूंगा और आगे प्रवचन में नाम बोलूंगा। कोई नहीं पूछता है कितने दिन रखना है, हाँ छुट्टी नहीं श्वास तभी तक सब आस रखते हैं। और जरूरत से ज्यादा कौन घर में लाश रखते हैं? ये हमारे ज्ञानी पुरुष हमें भेद ज्ञान बताते, हमारे ज्ञानी पुरुष हमें समझ देते कि आंख खुली है ने तब तक कुछ कर लो, आराधना भक्ति पूजा कुछ नहीं हो सकता है ने तो निंदा कुथली और किटी साइज बंद कर देवे, वो भी बड़ा पुण्य होगा
क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि निंदक नैरे राखिए, निंदक आदमी जो होता है ना उसको खास पास में रखने का। क्यों पास में रखने का? बिन पानी बिन साबुन से मैल हमारा धोई। अपना कर्म का मैल कौन धोता है? अपनी निंदा करने वाला आदमी। यदि निंदा करने वाला आदमी नहीं होगा ने तो अपन अलर्ट नहीं बनेंगे। हाँ, ट्रस्ट में विरोधी पक्ष भी होता है और विरोध पक्ष मजबूत होता है तो शासन पक्ष बहुत अलर्ट रहता है कि थोड़ी बहुत गलती हो गई ने ये पीछे पड़ जाएंगे। तो बस अपने अंदर कोई दोष है ने, उस दोष को दिखाने वाला जो दर्पण है ने, वो दर्पण कौन है? अपना विरोधी। उसको विरोधी नहीं मानना, उसको तो आरिशा समझना। हाँ, मेरा उपकारी है, मेरी गलती मुझे वो दिखाता है और सही करने का रास्ता मुझे वो सिखाता है। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर महापुरुषों ने लिखा है कि एक घड़ी आदि में भी आध तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। संग करो ने तो अच्छे लोगों की करना, कि उनके संगत में बैठने से कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ न कुछ समझने को मिलेगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। मगर निंदा करने वाला, गलती बोलने वाला, पूरे दिन क्रिटिसाइज की शब्द जिसके मुंह में से निकलते हो, ऐसे लोगों की संगत करोगे तो क्या होगा? अपने दुर्गुण जाएंगे नहीं, मगर दुर्गुणों की अभिवृद्धि होगी। और ये दुर्गुण गए हैं वो तब मालूम पड़ेगा जब मन में से प्रभु के प्रति सद्भाव, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पैदा हो। जब साधर्मिकों को देखकर उनकी आराधना की अनुमोदना होती रहे, मेरे से नौकार से नहीं हो रही है और भाग्यशाली एकासना कर रहे, मेरे से पोरसी नहीं हो रही है और भाग्यशाली लोग नमिवोन चिंतामणि तप कर रहे हैं, मेरे से एकास व्यासना भी बड़ी तकलीफ से होता है तब के भाग्यशाली एकांतरे आंबिल कर रहे, मेरे से एकासना भी मरते मरते हो रहा है तो कई भाग्यशाली बेला अठम छठ अठम और कई भाग्यशालियों को चौथा पांचवा दसवा ग्यारहवा ग्यारहवा भी उपवास अपने आराधकों में चालू है। हैं रोज अपन देखते ऐसे ऐसा जो देखना चालू कर दे ने तो अपन को खाते शर्म आएगी। जब ऊपर 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 देखना चालू कर देंगे ने अनुमोदना का घोंग बहेगा। पर अपन हर जगह दौड़ना ही चालू करेंगे, व्याख्यान में दौड़ दौड़ आओ बहुत अच्छी चीज है, प्रभु भक्ति में दौड़ दौड़ के लाइन लगा दो बहुत सुंदर बात है, सामायिक प्रतिक्रमण पूजा में प्रभावना में दौड़ दौड़ के आओ ने अनुमोदना की बात है। मगर और कामों में दौड़ा दौड़ी करे, धक्का मुक्की करे तो प्रभावना नहीं हो सकती। ये छोटे महाराज ने बताया गुरुदेव का सामया देखकर संप्रति राजा को नीचे जाने का मन होया, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और पता पड़ गया कि वो ये वही गुरुदेव है जिन्होंने मुझे खाना दिया था, मैं खाली था और मुझे भर दिया था। क्या दिया था? मुझे खाना दिया था, मैं खाली था, पूर्व में कोई पुण्य ही नहीं की थी मैंने कि जिससे मैं घर घर मांग रहा था, मगर मुझे कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। एक गुजराती कवि बहुत सरस लख्यू छे भीख मांगने की बात के ऊपर के भिखारी ना भीख मांगे, भिखारी ना भीख मांगे, सिख आपे घरे घरे, सिख आपे घरे घरे, नहीं दीदाना फरा, नहीं दीदाना फरा, माटे बापा आपो आपो बापा। जो भीख मांगने वाला आता है घर के सामने कैसे बोलता है? ओ बापा थोड़ू तो दही दो, बहुत भूखा हो,
कितने दिनों से भटक रहा हूं, अब थोड़ा तो दे दो, थोड़ा तो दे दो। इसलिए गुजराती कवि ने लिखा, भिखारी ना भिख मांगे, सिख आपे घरे घरे, शिखामण दे रहा है, उपदेश दे रहा है, नहीं दिधाना पड़ावा। आपका जैसा महल मिलकत लाड़ी वाड़ी ने गाड़ी ये सब मुझे भी मिला था, मगर नहीं दिधाना पड़ावा। ये सब मिलने के बाद मैंने दिया नहीं किसी को, मैंने पुण्य किया नहीं, मैंने मुझे मिली हुई लक्ष्मी का सदुपयोग किया नहीं, तो नहीं दिधाना पड़ावा। जो मिलने के बाद दान पुण्य नहीं करता है उसको क्या बनना पड़ता है? थोड़े दिन पहले बोला था कि जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उस चीज का उसको वियोग हो जाता है। तो पैसे मिलने के बाद सदुपयोग नहीं करने पर आने वाले भवों में उसका वियोग हो जाता। नहीं दीदाना फलावा, माटे बापा आपो, अरे अरे आप मेरे ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, आपो नहीं आपो तो मारा जीवा थसो तमे पर। इसलिए अपन को मिली हुई सारी शक्तियों का हमेशा सदुपयोग करना है। हम धर्म करवा रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, परमात्मा के भक्त इतना अच्छा अच्छा आयोजन कर रहे हैं, तो उसके सिवाय के करोड़ों लोग दुनिया में हैं, वो करोड़ों लोग मिलकर दूसरे काम उठाओ। उठाना कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है, करने वाले कुछ नहीं है, मगर क्रिटिसाइज करना, नवरे बैठे बैठे व्हाट्सएप घुमाते रहना, गलत गलत व्हाट्सएप घुमाते रहना, लोगों की धर्म श्रद्धा, लोगों की धर्म भक्ति, लोगों की धर्म सेवा किस तरह से खंडित हो जाए, किस तरह से अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है। क्या है? अच्छे को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है।